Hello, Hello. I have today Mr. Mohammed Shafi from Calicut. He's my guest and he's my mentor. Welcome, sir. Okay, thank you. He has got a gramophone world as a museum in Calicut. You should visit it. It's a fantastic place. And Why not? also, why not? He has the experience of more than 50 years in radiograms and then gramophones, especially the hand-wound gramophones. He is the best in, I think, India, also in South Asian countries. He has got a tremendous, I mean, beautiful sets. We should see it. Welcome, Shafi sir, once ओके again. थैंक यू Shafi sir, आपका एक्सपीरियंस में ऐसा कोई चीज है कि आप एक बार, यू आर ऑल्सो विंटेज कलेक्टर, सो एक बार कहिए ऐसा आइटम आ गया आपको से नेगेटिविटी होने लगा, ऐसा कुछ आपके एक्सपीरियंस में है? मुझे एक बार ऐसा हुआ था, मैंने 10 साल पहले होगा, करीबन 10 साल पहले, एक मेरा एक दोस्त था, मेरा खास दोस्त, डेली आता है बात करता है मेरा। उसको वो कोई मैंने लेबर का कुछ काम कर रहा था, मैंने कॉन्ट्रैक्टर था। उसको काम ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो मेरे पास आता है, बैठता है, तो हमको उन्होंने बोला, मेरे पास एक टू दो टू स्पीकर है, अमेरिकन बड़ा वाला, तो मेरे को बोला थोड़ा वो भेज दीजिएगा, कोई होगा तो भेजेगा। हम बोला ठीक है, हम कोशिश करें। वो फोटो दिया, उसके बाद मैं दूसरे एक आदमी एक बंदा से बात किया, तो वो बोला ठीक है लाके रखिए, हम देखेगा। उसके बाद वो ये आदमी स्पीकर मेरा दुकान में छोड़ के गया। छोड़ के गया, वो ऑटो में लेके आया, बहुत बड़ा बड़ा स्पीकर स्पीकर लेके दिया। मैंने एक हफ्ता के बाद वो जो मांगा था वो आया, तो स्पीकर देखने से ही बोला है नहीं हमको ये नहीं चाहिए, ऐसा बोला। फिर क्या करेगा, मैं रहता हूँ, ये तो रखने का छोटा दुकान तो छोटा है, ये रखने का जगह भी बहुत कम है। हम बोला ठीक है, फिर क्या करेगा। तो फिर 2-3 के बाद वो आदमी आया जो स्पीकर दिया है, वो आदमी आया। हम बोला अरे भाई ये स्पीकर तो भेज नहीं सकता, वो आदमी नहीं चाहिए बोला। तुरंत वो गर्म हो गया, इतना माने 440 वोल्ट का जैसा गर्म। आप बोले इसलिए लेके आया, ये वापस कैसे लेके आया, हम वापस नहीं, हमको पैसा दे दो। अरे इतना अच्छा खास दोस्त था, दोस्त एक माने हम तो फटक से ये इतना शर्म से बात करना शुरू किया, बहुत जोर से बात कर रहा था। तो मैं कुछ नहीं बोला, मेरा दुकान है, कोई सुनेगा तो खराब लगेगा ना, तो हम कुछ बोले नहीं, बोला ठीक है पैसा दे देगा हम। उसके बाद मैं 3 माने 2-3 महीना वो स्पीकर मेरे पास रहा, तो अचानक मेरे पास ऐसे ही रहा। उसके बाद मेरा हालत खराब होने लगा, बिक्री सब बंद हो गया, क्या मालूम कोई आने। उसी समय हमको मालूम नहीं था ये स्पीकर का क्या हालत है। फिर दूसरा एक आदमी था, ये तो मैंने 10-15 साल पहले 2500 रुपये में लिया, 2500 रुपये उसका था, उसको पैसे दे दिया था। उसके बाद मैंने दूसरा एक बंदा आया था, उसी का मैंने ऊपर डाल दिया, मैं 2000 आया था, 2000 दे दीजिए लेके जाइए, हमको ये तो हटाने का, ये तो बड़ा स्पीकर है। ठीक है वो तो लेके गया। उसके बाद ठीक है ऐसा ही चला मेरा, मैंने थोड़ा हमको भी थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा तो बच गया ना स्पीकर लेके गया। फिर अचानक वो जो लेके गया वो आदमी माने 1 महीना नहीं, दो खाली 2-3 हफ्ता में वो दूसरा बंदर को भेजा है। फिर वो भी थोड़ा 1 महीना 2 महीना में वो भी किसी को दूसरा भेजिए। सी को भेजिए। फिर ये सब कहानी जानने वाला एक आदमी मेरे पास आया, उन्होंने इसका हिस्ट्री बताया, मुझे भी इतना आश्चर्य हो गया। उन्होंने क्या बोला, ये जो स्पीकर था जो आदमी था उसको आपके पास दे दिया था ना, उसी का बाद क्या हुआ था, उसका बिजनेस माने
मैंने काम उसको बहुत अच्छा काम पूरा बिजी हो गया था, काम भी शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। राम बोला हमारा भी वही हुआ था, ये जो रखा था मेरा पूरा हालत खराब हो गया। वो बोला आपसे जो लेके गया था उसी का हालत खराब होने लगा, इतना टेंशन में हो गया था वो, कैसे भी हो दूसरे आदमी का ऊपर डालिया वो भी उसका भी खराब हो गया था। तो ऐसा वो हमको अभी भी याद है, कभी कभी ये याद करके हंसने लगता है, क्योंकि एक मलयालम मूवी में एक तो जूनियर मेंढक बोल के एक तो मूर्ति था, एक तो मेंढक का सेम कहानी मेरा जीव जिंदगी में आया। नहीं ऐसा होता है क्योंकि वो किसी का ऑब्जेक्ट किसी के लिए बहुत प्यार लगता है, जब वो मर जाएगा वो शायद वो उसके पास ही रहेगा, उसके पास ही रख के वही मर गए तो उनका नेगेटिविटी उनका सोल कुछ अंदर आ सकता है। तो मेरा मेरे म्यूजियम में एक रेडियो है और रात को मैं ट्यून करते वक्त मुझे भी ऐसा लगता था। उसका एक बंदा बॉम्बे से भेजा था मुझे, उसका पिताजी ने ये देहांत हुआ था, उस रेडियो बज रहा था वो मर गया था। तो वो जब भी वो मैं रेडियो को डिस्टर्ब करने के वक्त ट्यून कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे खड़ा है और देख रहा है क्या कर रहा हूँ। ये तीन चार बार हुआ रात को अराउंड 12:30-1 o'clock और समथिंग। उसके बाद में मैं छोड़ दिया, मैं पूजा नहीं कर रहा था उस वक्त। देन बाद में थोड़ा कंसल्ट किया वहाँ वहाँ, देन किसी ने बोला वो नेगेटिविटी रहता है शायद, तो पूजा करने चालू करो एंड डोंट वर्क ऑन इन द नाइट, रात को काम मत करो। सो मैं क्योंकि पूरा बिल्डिंग में अकेला रहता हूँ मैं रात को, तो इसलिए वो भी मैं भी आदमी हूँ डर लगता है, तो इसलिए छोड़ दिया। नहीं वो ये होता है, मैंने जो कोई किसी ने प्यार से बहुत मैंने मेहनत से प्यार से मैंने लिया है और बचाता है ये सब करता है तो उसी में उसका तो थोड़ा ये लगता है। मेरा फ्रेंड का भी ऐसा ही हुआ था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका बुलेट बहुत प्यार करता था, उसका बुलेट भी बिक नहीं सका उसका। अच्छा। और एक आदमी ने लिया बहुत चीप रेट में, उसका भी ऐसे ही वही बुलेट में एक्सीडेंट हो गया। तो दो जन चले गए, थर्ड फेलो एक हाई स्कूल पर्सन स्टूडेंट, उसने वो लेके वो बुलेट को लेके रेडी कर रहा था और किसी ने उसका हिस्ट्री मांगा क्या क्या हुआ कैसे हुआ क्या, तो उसने बोल दिया नहीं डोंट टेक दैट बाइक बिकॉज टू पीपल हैव डाइड, डोंट डू इट फॉर योर सेल्फ, लीव इट। सो उसको स्क्रैप कर दिया। कभी कभी होता है, वी डोंट नो। नहीं होता है नहीं। और ये भी है कि कोई मैं तो हम तो ये सब कुछ सामान लेते हैं बेचता है, अगर कोई सामान मेरे पास आ जाता है वो कभी नहीं बिक सक नहीं बिकता है। अगर 50,000 रुपया का सामान हो वो हम सोचेंगे कि 5,000 में देगा, कोई लेगा नहीं। ऐसा भी होता, ऐसा भी होता। हाँ मैं मम को छोड़ के नहीं जाता, नहीं जाता। हाँ ऐसा है, हम सोचेंगे कि ये अरे यार इतना जगह है ये थोड़ा बेच देगा, बेच नहीं सकता क्योंकि वो प्रोबेबली दैट इज लविंग यू। हाँ ये मुश्किल है। वो तो हमको एक आदमी ने भी ऐसा बताया था कि जो अच्छा से पालता है उसको छोड़ के वो सामान कहीं नहीं जाएगा। तो मेरा भी मेरे साथ ऐसा हुआ ना, इसलिए कभी कभी डरता है किसी से घर जाके विंटेज रेडियो लेके, नहीं तो कहीं से लेने के लिए। नहीं उसका होता है उसका एक तो ये तो इंसान का आत्मा तो वो तो हर जगह है, हम तो वो विश्वास करता है आत्मा तो है, वो हर चीज में है, जो रेडियो में है उस सब में है। और कहीं कहीं रेडियो एक रेडियो ऐसा था बहुत 1935 का रेडियो है, वो उसने मुझे कॉल करके उसका दाम पूछा, मैंने बताया था इतना दाम होगा ये अच्छा रेडियो ये, वो ही वाज नॉट एबल टू सेल इट, मींस उसको कितना ओएलएक्स में डाला फेसबुक में डाला कोई भी नहीं लिया। बाद में इस आदमी ने बोला आई एम नॉट एबल टू सेल इट, सो व्हाट यू वांट टू डू, आई सेड इफ यू वांट टू सेल इट टू मी टेल मी बट आई कांट पे यू हाई प्राइस, देन ही गेव इट टू मी फ्री। ही सेड द अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग ऑन विंटेज रेडियो आई एम हैप्पी,
I don't want the money, but take it. And then when I bought the radio and made it working, he came and he felt so happy. He said, there is something, when it was with me, I was very uneasy. But when it came to you and it is singing, I am very happy. ऐसा भी हो सकता है वो रेडियो मेरा नसीब में लिखा है तो मुझे ही आ गया लेकिन वो आपको छोड़कर ये वन ईयर ही ट्राई टू सेल इट 25,000 आपको छोड़कर नहीं जाएगा जो आपके पास आया वो छोड़कर नहीं जाएगा ऐसा है गुड सर थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर योर विजिट आई विल आल्सो कम टू वायनाड एंड सी यू एंड यू कैन आल्सो ब्राउज ऑन इंटरनेट Gramophone Museum and Research Center. Yeah, Gramophone Museum and Research Center in Wynad. And you do visit. It's a nice place, very nice place. I'll also have to go there. So, thank you.